अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़नीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन जर्मेंटन हॉस्पिटल। एक्चुअली हम लोग जो किडनी की बीमारियों का सीरीज स्टार्ट करें तो उसमें मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी डिसीजेस हैं, उसमें एक किडनी डिसीज है अक्यूट किडनी इंजरी। तो इसके बारे में भी मैंने बताया है कि कैसे क्या किस वजह से होता है, अगर हो रहा तो उसका ट्रीटमेंट कैसा रहता है, वो टेम्पररी है या परमानेंट है। तो अक्यूट किडनी इंजरी माने टेम्पररी किडनी का डैमेज है और उसको ट्रीटेबल है और वो रिवर्स भी होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवर्स होता। अगर रिवर्स नहीं हो रहा तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के क्रॉनिक किडनी डिसीज माने किडनी के दायमी बीमारी में बदल जाता है, अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा पेशेंट को तो। और थोड़े केसेस में हो सकता पेशेंट के बॉडी अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रही या कुछ रीज़न नहीं मिल रहा तो तब भी वो ऐसी स्लोली प्रोग्रेस हो जाता है जहाँ पर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के हो जाता। तो इवन ना जैसे कि अक्यूट किडनी इंजरी में जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सेप्सिस के वजह से या नहीं तो अक्यूट ब्लड लॉस होने की वजह से या नहीं तो लूज मोशंस वॉमिटिंग्स के वजह से, साथ में अगर आप पेन किलर ज़्यादा ले रहे हैं यानी कुछ नी पेन है या कुछ भी आपके बॉडी में पेन है और हफ्ते में आप डेली या हफ्ते में एक बार या अक्सर पेन किलर्स लेते हैं तो उसकी वजह से भी किडनी डैमेज होते और आप रिस्क रहते। और अक्यूट किडनी इंजरी कौन से पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकता, मतलब अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि सपोज़ आप डायबिटीज़ पेशेंट है या आप बीपी के पेशेंट है या आपकी एक ही किडनी है, एक किडनी नहीं है या पैदाइशी तौर पे नहीं है या नहीं तो बार बार इन्फेक्शन की वजह से वो किडनी छोटी हो गई काम नहीं कर रही, या नहीं तो एक किडनी है और एक किडनी का पोजीशन दूसरी जगह है एक्टोपिक किडनी, या नहीं तो आपको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होता, या नहीं आपको बार बार किडनी स्टोन्स के मसला है, या ये सारी पेशेंट्स जो है कि अक्यूट किडनी इंजरी के लिए रिस्क फैक्टर्स है। मतलब इन लोगों में जल्दी किडनी डैमेज हो सकती है टेम्पररी, मतलब थोड़ा भी अगर लूज मोशन हो रहे हैं, तीन चार मोशन हो रहे, तीन चार वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, अगर करेक्ट टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो ये सारे पेशेंट्स में फट से आपका क्रिएटिनिन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन करने के लिए आप पेन किलर्स अवॉइड करना और अगर आप बीपी शुगर है तो बीपी शुगर कंट्रोल में रखना, और दूसरे जैसे कि आप किडनी स्टोन का मसला है तो साल में एक बार आप स्क्रीन करा लेना, या आपके फैमिली हिस्ट्री में कुछ किडनी का प्रॉब्लम है तो स्क्रीन कराना, या सिस्टिक किडनी डिसीज़ जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं उसके लिए भी अगर कुछ फैमिली में हिस्ट्री है तो आप स्क्रीन कराना चाहिए। अगर आप स्मोकर है, अल्कोहलिक है, या पैनक्रियास का मसला है या हार्ट का मसला है तो एटलीस्ट आप साल में एक बार स्क्रीन कराना कंपलसरी है। स्क्रीनिंग कराना बहुत इजी है किडनी प्रॉब्लम के लिए क्योंकि दो सिंपल से टेस्ट होते हैं, एक यूरिन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में कुछ प्रोटीन जा रहे क्या, कुछ एल्बमिन है क्या वो देख लेते हैं, या कुछ पस सेल्स है या आरबीसी से कास्ट है क्या देख लेते हैं, और एक ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन यूरिया यूरिक एसिड देख लेते हैं। तो स्क्रीन कराना बहुत आसान है और किडनी डिसीजेस प्रिवेंट करना ईजी है, ट्रीट करना मुश्किल है और कम्प्लीटली रिकवर करना मुश्किल रहता है। तो अक्यूट किडनी इंजरी को हम लोग कम्प्लीटली रिकवर कर सकते हैं अगर उसका टाइमली मैनेज हो गया। तो इसीलिए आपका ये है कि अगर कुछ भी रिस्क फैक्टर्स है, थोड़ा सा भी मसला है तो आप पेन किलर्स अवॉइड करना है और हर मतलब कुछ भी जड़ी बूटी वगैरह नहीं लेना चाहिए और हाइड्रेशन अच्छा स्टेटस मेंटेन करना, हार्ट की गोलियां अगर आपको खाना है तो कंपलसरी खाना है, बीपी शुगर मेंटेन करना और हाइड्रेशन स्टेटस माने पानी, अगर आपको पैरों में सूजन नहीं है कहीं भी बॉडी पे सूजन नहीं है तो पानी आप 3 से 4 लीटर तक आराम से पी सकते हैं। अगर पैरों में सूजन है या आपके हार्ट के मरीज़ है, आप ऑलरेडी किडनी की दायमी बीमारी है जहाँ पर आपको डॉक्टर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन के लिए बोले तो वहाँ पर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ता। और नमक की मकदार अगर आप बीपी शुगर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है तो कम में लेना चाहिए, जैसे कि 2-3 ग्राम्स पर डे के हिसाब से लेना पड़ता। थैंक यू।